हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया द्वारा SU-75 को दुबई एयर शो में शोकेस किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ पिक्चर्स रिलीज करी हैं, जिसमें SU-75 साइड बाय साइड है SU-57 के। तो जो SU-75 है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है SU-57 से। साथ ही साथ रशिया द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा कम है, यहाँ तक कि JF-17 से भी कम है, जिसे चीपेस्ट फाइटर माना जाता है। साथ ही साथ जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी एडवांस है, चाहे हम रडार की बात करें, चाहे हम एवियोनिक्स की बात करें, चाहे हम इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही क्यों ना बात कर लें। साथ में यहाँ पर जो इंजन लग रहा है वो इसीलिए 30 होगा, जो कि रशिया का सबसे एडवांस इंजन है। तो यहाँ पर रशिया द्वारा इस एयरक्राफ्ट को इंडिया के लिए भी पिच किया जा रहा है। करीबन 2023 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो MRFA कॉम्पिटिशन है उसको लेकर एयरफोर्स सीरियस है, कई बार इसके बारे में बात करी जा चुकी है। और जिस तरह की गति चल रही है, ऐसा लगता है कि 2022-23 तक ही इसमें कोई प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। तो कितने चांसेस हैं SU-75 के इस कॉम्पिटिशन में आने के, और क्या एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को ले सकती है, और इन एयरक्राफ्ट की क्या कन्फिग्रेशन है, इसको हम आगे समझते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट रिवील किया गया है, इसे सुखोई द्वारा बनाया गया है और चेकमेट फाइटर कहा जा रहा है। बाकी इसे सुखोई SU-75 भी बुलाया जा रहा है। तो ये एयरक्राफ्ट बनाया गया है SU-57 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वहीं पर 57 का 75 बनाकर इसे रेफर किया जा रहा है। तो ये एक सिंगल इंजन फाइटर है, मोस्ट प्रोबेबली जो इंजन है वो इस दिल्ली 30 है। साथ में ये स्टेल्दी डिज़ाइन है, इंटरनल वेपन बेस के साथ आता है, और अपनी कैटेगरी में इसकी जो रेंज है और मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 7.5 टन के आसपास की बताई जा रही है। कंपेयर करें इसे तेजस की मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी से, तो वो 4 से 4.2 टन के आसपास की है। तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट कर सकता है। साथ में जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 3000 किलोमीटर के आसपास की बताई जा रही है, और जो कॉम्बैट रेंज है वो 1500 किलोमीटर यानी कि 1500 किलोमीटर्स के आसपास की बताई जा रही है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो Mach 1.8 तक की होने वाली है। साथ में इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि कंपोजिट मटेरियल को इसकी बॉडी में यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी है वो लाइट वेट होगी। और क्योंकि इस दिल्ली 30 का जो मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है वो 170 किलो न्यूटन का बताया जाता है, तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन होगी। साथ में जो इंजन है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के साथ आएगा, तो ये एयरक्राफ्ट सुपर मनोरेबिलिटी को अचीव करने में सक्षम होगा। बाकी बात करें सुपर क्रूज की एबिलिटी के बारे में, यानी कि उस एबिलिटी के बारे में जिसमें एयरक्राफ्ट बिना अपनी आफ्टर बर्निंग स्टेज में आए हुए सुपरसोनिक फ्लाइट को करने में सक्षम होता है, तो इसको लेकर प्रेजेंटेशन में कुछ बताया नहीं गया था, पर किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर में ये चीज़ एक तरीके से मैंडेटरी होती है। और बाकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो को देखें और इंजन की परफॉर्मेंस को देखें, तो ऐसा लगता है कि ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज करने में सक्षम होना चाहिए। बाकी इसमें इंटरनल हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं स्टेल्थ कन्फिग्रेशन में फ्लाई करने के लिए, जिसके अंतर्गत विंग रूट पर 2 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं इंटरनली, जिसके अंदर क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल जो है वो लगाई जा सकती होगी। बाकी सेंट्रल फ्यूसेलाज में जो इंटरनल वेपन बे दिया है वो साइज में अच्छा खासा बड़ा है, जिसके अंदर डिफरेंट एयर टू ग्राउंड म्यूनेशंस आ सकते हैं। साथ में मिनिमम 3 मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। बाकी एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें एक AESA रडार लगा हुआ है, जो कि एक बार में करीबन 6 टारगेट को इंगेज कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रडार है वो ज़ूक AE फैमिली का रडार हो सकता है, जो कि MiG-35 के लिए डेवलप किया गया है, और उसके डिफरेंट वेरिएंट जो हैं वो अवेलेबल हैं। बाकी इसमें नोज के ऊपर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी दिया गया है, जो कि पैसिव ट्रैकिंग करने में सक्षम होगा। बाकी डिफरेंट सेंसर जो हैं वो SU-57 से बोरो किए गए हैं। तो डिज़ाइन को मॉड्यूलर रखने की कोशिश करी गई है, ताकि जो भी कंट्री ने ऑपरेट करे वो अपने हिसाब से इनमें अपने एवियोनिक्स जो हैं वो लगा सके। कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट के जो लीक्ड इमेजेस बाहर आई हैं उसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले दिया गया है। साथ में जो अप फ्रंट कंट्रोल पैनल है उसको भी टच इनेबल रखा गया है। हेडसअप डिस्प्ले को भी वाइड एरिया दिया गया है, और जो स्टिक कन्फिग्रेशन है वो सेंट्रल स्टिक है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनमें ज़्यादातर साइड स्टिक कन्फिग्रेशन आती है, पर यहाँ पर सेंट्रल स्टिक कन्फिग्रेशन को ही रखा गया है।
तो कॉकपिट जैसे कि बाकी मॉडर्न एयरक्राफ्ट का होता है वैसा ही है। तो इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में होनी है। इसके जो प्रोटोटाइप्स हैं वो 2024 से 25 तक बनाए जाएंगे और इसका जो सीरियल प्रोडक्शन है वो 2026-27 से चालू होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ के बारे में। इस एयरक्राफ्ट का जो प्राइस एस्टीमेट किया गया है वो 25 से 30 मिलियन डॉलर पर एयरक्राफ्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो ये जो प्राइस है ये एक्चुअली तेजस मार्क 1A से भी सस्ता है। तो ये प्राइस जो अभी बताया जा रहा है, अगर ये आगे चलकर 40 से 50 मिलियन डॉलर भी होता है तब भी ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा। और अगर इस प्राइस के साथ आप इसे F-35 से कंपेयर करते हैं और वहाँ पर ये स्टैंड नहीं करता है तब भी जस्टिफाइड होगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में F-35 काफ़ी महंगा एयरक्राफ्ट है। उसका जो प्राइस है वो कम होने के बाद भी 70 से 100 मिलियन डॉलर के आसपास पर पीस पड़ता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो इस एयरक्राफ्ट की प्रेजेंटेशन में ये बात कही गई थी कि जो डिज़ाइन है उसको मॉड्यूलर रखने की कोशिश करी गई है, साथ में इसकी मेंटेनेंस को काफ़ी ज़्यादा ईजी रखने की कोशिश करी गई है ताकि चीज़ों को चेंज करने में ज़्यादा परेशानी ना हो और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी हाई रह सके। तो रशियन एयरक्राफ्ट के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो उनकी मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी का है। तो अगर इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को वो काफ़ी आसान करने में सक्षम होते हैं, साथ में इंजन की जो सर्विस लाइफ है और मेंटेनेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करने में सक्षम होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म निकलकर सामने आ सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट को चेकमेट बुलाया जा रहा है और इसे इंडिकेट किया जा रहा है चेस के गेम में जो घोड़ा होता है उससे। तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो किसी भी एयरफोर्स का मेन एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, ये एक छोटा सपोर्ट एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि पूरे वॉरफेयर को चेंज कर सकता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से घोड़ा पूरे चेस के गेम को कभी भी पलट सकता है। तो ये तो एयरक्राफ्ट के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से। तो हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि इस एयरक्राफ्ट के आने के बाद से जो MMRC 2.0 कॉम्पिटिशन है या फिर MRFA कॉम्पिटिशन है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आ सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स को 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसके अंतर्गत ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। और ये बात भी यहाँ पर साफ कर दें कि इस कॉम्पिटिशन में फॉरेन से ही एयरक्राफ्ट आने हैं, भले ही उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए। ये प्रोग्राम हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम से बिल्कुल अलग है, चाहे तेजस की बात करें, तेजस मार्क 2 की बात करें, आमका की बात करें या TETBF की बात करें। तो अगर MRFA या फिर MMRCA 2.0 कॉम्पिटिशन में कोई भी एयरक्राफ्ट लिया जाता है तो वो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये अज्यूम करना कि अगर इस एयरक्राफ्ट को कंसिडर किया जाता है तो तेजस का जो प्रोग्राम है वो खतरे में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये एयरक्राफ्ट जैसा कि प्रॉमिस किया गया है वैसा निकलकर सामने आता है तो इसका प्राइस इतना जस्टिफाइड है कि इसे कंसीडर किया जा सकता है। साथ में इन एयरक्राफ्ट के साथ जो कस्टमाइजेशन एबिलिटी ऑफर करी जा रही है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि हम फ्यूचर में अपने खुद के वेपन्स भी बना रहे हैं और एवियोनिक्स भी बना रहे हैं। तो अगर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर को फ्यूचर में हमें इस्टेब्लिश करना है तो कनेक्टिविटी को प्रॉपर करने के लिए हमें खुद के इक्विपमेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट में चाहिए। तो फ्यूचर में हम बड़ी आसानी से अपने खुद के वेपन्स और एवियोनिक्स इस एयरक्राफ्ट में लगाने में सक्षम होंगे, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी देखें, जितनी आसानी से रशियन प्लेटफॉर्म में हम चीज़ों को कस्टमाइज करके लगा लेते हैं उतनी फ्रीडम हमें वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के साथ नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, इस एयरक्राफ्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही सस्ता है। तो क्योंकि हमारे पास बजट इश्यूज़ हैं और एयरक्राफ्ट बड़े नंबर में चाहिए तो ये काफ़ी सुटेबल प्लेटफॉर्म बनता है उस गैप को भरने के लिए। तो अगर यहाँ पर हमें एक अच्छी डील मिलती है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, साथ में अगर हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की जो सर्विसेबिलिटी है और नए इंजन की जो परफॉर्मेंस और सर्विस लाइफ है वो अच्छी है, तो ये एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन निकलकर सामने आता है। बाकी सवाल ये भी उठ सकते हैं कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका अभी तक एक प्रोटोटाइप फ्लाई नहीं किया है, तो एक अनप्रूवन प्लेटफॉर्म को कंसिडर करना एक मिस्टेक हो सकती है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में होनी है, ठीक उसी साल जिस साल तेजस मार्क 1A फ्लाई करेगा। और ये एयरक्राफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी को SU-57 से बोरो कर रहा है।
तो ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इसकी SU-57 पर प्रूवन है, तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी ये एक ऑप्शन की तरह ही है, काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन की तरह है, और अगर हमें सही डील मिलती है तो इसे कंसिडर करने में कोई बुराई नहीं है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।